लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, INLD की किस प्रकार तैयारी है? हमने तो जिस दिन ये तय हुआ था, अरब तो सबको पता था कि चुनाव आएगा, किसी दिन तारीख तय होनी है। इलेक्शन कमीशन ने एक महीना पहले हरियाणा प्रदेश के लोगों की जान छुड़वा दी। ये लुटेरे महीना पहले लूट के खा जाते इस प्रदेश को और एक महीने तक लूटते, इसके लिए तो उनका आभार व्यक्त करते हैं। और निश्चिंत रहो, अब मजदूर और किसान का आपसी एक गठबंधन है। बसपा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो गरीब मजदूर की किसान की दिशा है। अब एक नया संदेश देश में जाएगा कि जो मजदूर आदमी अपनी मेहनत से इस देश को विकसित बना सकता है, जो रेलवे के ट्रैक बिछा सकता है, जो हवाई अड्डे बना सकता है, जो मल्टी स्टोरी इमारतें खड़ी कर सकता है, जो किसान इस देश को आत्मनिर्भर बना सकता है, उनमें ये दोनों इकट्ठे हो गए, अगर ये सारे काम कर सकते हैं तो ये राज नहीं बना सकते। वोट हमारा है, राज बनेगा, कोई नहीं रोकेगा, हम सत्ता में आएंगे। लगातार आप हर जिले का दौरा कर रहे हैं, कितने जिले अब तक कवर कर चुके? टोटल कर दिया 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र कर दिए। अब 1 तारीख से फिर मीटिंगें शुरू हमारी, एक एक दिन में 2-2 विधानसभा की। कब होगा? बस ये मान के चलो 5 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है और 4 या 5 को सारा फैसला कर देंगे, अपने अपने किस किस को लड़ाने तय कर देंगे। तुम्हें तो और बता, तू कहाँ से लड़ना है? कोई और जगह से लड़ना था, आप बता दे। इलाहाबाद के अलावा एक जगह से और भी लड़ सकता हूँ, 2 जगह से लड़ूंगा। उजाना के लड़ना, ये हमारी पार्टी के लोग फैसला करेंगे कि मुझे दूसरी किस जगह से लड़ना है। जो वो फैसला करेंगे वो स्वीकार होगा मुझे। मैं देख रहा हूं जहां भी मेरी नजर जा रही है, सिर ही सिर नजर आ रहे हैं। मैं भाइयों, आप सब युवा साथियों का जो जोश देख रहा हूं, आप सबका जो उत्साह देख रहा हूं, भाइयों आप सबका जोश और उत्साह इस बात के ऊपर मोहर लगा रहा है और मेरा भी विश्वास बढ़ा रहा है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है। भाइयों, आप सबको इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति भी, हमारे बुजुर्ग भी, हमारे युवा साथी भी यहाँ पधारे हैं, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूँ, आप सबको सत श्री अकाल करता हूँ। भाइयों, मैं पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा हूं, प्रदेश के लोग मुझे एक बात सुनने को मिलती है और लोग बोलते हैं कहां भाई समय कम मिला। आज असंत की सरदारी के बीच में आया हूं, भाइयों ये जो कम समय मिला है ये पूरी फिल्म नहीं थी, ये तो उसका ट्रेलर था। फिल्म तो भाइयों 4 अक्टूबर के बाद शुरू होगी। मैं आपको मात्र अपने इस छोटे से कार्यकाल का हिसाब मैं असंध की जनता को बताना चाहता हूं। आप निर्णय करेंगे कि सरकार किस प्रकार से मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपका 10 वर्ष का कार्यकाल रहा और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे कि मेरे इन सवालों का जवाब दे, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति जवाब देने के लिए तैयार नहीं है।
जैसे मुंह के अंदर दही जम गई हो, खुलने के लिए तैयार ही नहीं है। भाइयों, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, मैंने कोई और क्वेश्चन नहीं पूछे थे, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। मैंने हुड्डा साहब कांग्रेस से क्या क्वेश्चन पूछे थे? मैंने तो ये भी कहा है कि भाई रणदीप सुरजेवाला, तय आकर के बटन खोल का खड़े हो जा, तय ही बताए दे, तन्ने तो मड़ाई खाई है हुड्डा के साथ उस सरकार के अंदर, तेरे को भी मालूम होगा कि भाई हमारी सरकार क्या क्या काम कर रही थी। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ।